हमारे से चाइना से डॉक्टर खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि इस वक्त वहाँ क्या करंट सिचुएशन है और हुकूमत चाइना जो है इस मामले में क्या इकदाम ले रही है। इंटरनेशनल जो मेडिकल एजेंसीज हैं WHO और दूसरे लोग जो हैं वो इस पर कितने कंसर्न हैं और वहाँ पर मेडिकल एमरजेंसी की क्या सूरत हाल है। डॉक्टर साहब वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब बताइएगा कि आजकल बहुत ज़्यादा इसका कोरोना वायरस की बात हो रही है तो इस वक्त क्या सूरत हाल है चाइना में। जी इस वक्त जो सूरत हाल है अब तक 9,810 कंफर्म केसेस है पूरे चाइना में जी। और वो सूबा जहाँ पे ये वायरस फैला है उस सूबे में 5,806 कंफर्म केसेस हैं और उस शहर में उस सूबे के उस शहर वुहान में जहाँ से इसका आउटब्रेक शुरू हुआ है 2,639 अभी तक केसेस हैं। अच्छा जी। और अब तक 213 वात हो चुकी हैं जी। और जिस सूबे में इस वक्त मैं बैठा हूँ वह सेकंड मोस्ट अफेक्टेड सूबा है, इसमें 538 कंफर्म केसेस जो हैं वो अब तक हैं। अच्छा जी। और इसके अलावा पाकिस्तानियों के मुतालिक पूछे तो अब तक 4 पाकिस्तानी सूबों में ये जो वायरस है ये कंफर्म हो चुका है जी। तो ये बताइएगा कि इस वायरस के फैलने की क्या वजूहत हैं और क्या चाइनीज गवर्नमेंट ने इसको पहले डिटेक्ट नहीं कर सके, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि दिसंबर के मिड में ये वायरस शायद डिटेक्ट हुआ था लेकिन उसके ऊपर वो इतना सीरियस नहीं लिया गया क्योंकि ये एक नोवल वायरस है, नया वायरस है तो शायद किसी को पता नहीं चला कि कितना सीवियर हो सकता है। हाँ जी नहीं सब, ये जो कोरोना वायरस है बेसिकली ये ग्रुप ऑफ वायरसेस है और हिस्टोरिकली ये जानवरों और परिंदों में पाया जाता है ज्यादातर जी, जी, लेकिन इस दफा चाइना में जो आउटब्रेक हुआ है वो कोरोना वायरस की एक नई किस्म है जिसको 2019 नोवल कोरोना वायरस का नाम दिया गया जी। तो बेसिकली जो इसका फैलाव है तो वुहान की एक सी फूड मार्केट से हुआ है। अच्छा जी। तो यही लगता है कि ये वायरस जो है फिर आप जानवरों से इंसानों में फैल गया है जी। और इंसानों में फैलने के बाद आपकी इंसानों से इंसानों में मुंतकिल हो रहा है जी। क्योंकि ये नया वायरस था तो इसलिए इसकी डिटेक्शन मुश्किल है और दूसरी बात ये है कि ये वायरस 14 दिन तक बगैर कोई अलामत इंसानों में रह सकता है जी। तो जिसकी वजह से डिटेक्शन और भी मुश्किल होगी जी। जो इस वायरस की वजह से पैनिक है वो पैनिक इस वजह से है कि ये वायरस तकरीबन दिसंबर के आखिर में और जनवरी के शुरू में इसकी डिटेक्शन ज्यादातर हुई और यही वो टाइम है जब चाइना में न्यू ईयर की छुट्टियां होती हैं। न्यू ईयर की छुट्टियां होती हैं जी, ईद फेस्टिवल है और उसमें तकरीबन 40 से 50 करोड़ लोग जो हैं वो ट्रैवल करते हैं जी। तो ऐसे अनप्रेसिडेंटेड प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए हैं, क्योंकि अगर ये प्रिकॉशनरी मेजर्स ना लेते तो ये जो इस ट्रैवल के दौरान इसका फैलाव और भी ज्यादा हो सकता जी। तो ये वायरस अगर नंबर देखे तो अभी तक इतना सीरियस नहीं है लेकिन जो मौका है जो टाइम है न्यू ईयर की वजह से जी उसकी वजह से पैनिक और जो मेजर्स हैं वो ज्यादा सख्त लिए गए जी। अच्छा ये बताइएगा कि इसके लिए सुना है कोई जो लिबास वगैरह है या इसका जो ड्रेस कोड है जो वहाँ पे जो पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह जो पहनती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और दूसरा ये पता चला है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने को 1300 बेड का वहाँ पे एक एमरजेंसी हॉस्पिटल बनाया है और कुछ इस वक्त शायद मेडिकल एमरजेंसी भी वहाँ कायम कर दी गई है। जी बिल्कुल मेडिकल एमरजेंसी है जो आपने हॉस्पिटल के बारे में कहा, बिल्कुल एक 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है और वो तकरीबन लेस देन इन अ वीक जो है वो उसको एस्टेब्लिश किया गया जो कि सेल्फ एक रिकॉर्ड है। बाकी रिसोर्सेज के हवाले से पैसों की और फाइनेंशियली तो कोई कमी नहीं चाइनीज गवर्नमेंट को, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया क्योंकि ये न्यू ईयर के करीब शुरू हुआ है फैक्ट्रियां हैं वो बंद हैं जी। और जो लोगों का फैक्ट्रियों में एक यूनिवर्सिटी में आना जाना है वापसी है उस पर पाबंदी लगा दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं हो रही जिसकी वजह से कुछ मेडिकल इक्विपमेंट खासतौर पर मास्क की जो है वो बहुत कमी हुई। मास्क की बहुत कमी है। पाकिस्तानी कम्युनिटी पाकिस्तानी हेल्प कर। अच्छा सर ये बताइएगा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में यहाँ बड़ी तशवीश पाई जा रही है, आप क्या एडवाइस करती हैं कि इस वक्त चाइना के पास तो बेहतरीन इक्विपमेंट है, बेहतरीन अरेंजमेंट है, हॉस्पिटल भी बड़े अच्छे हैं और वो शायद इसके ऊपर वैक्सीन वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों को क्या ट्रेवल करना चाहिए इस वक्त इन कंडीशन में। जी अभी तक जो ज्यादा मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही है वो वुहान में जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनके मुताबिक आ रही है जी। तो अभी तक जो मेरे पास इतला था उस वक्त उसके मुताबिक जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे उनका बेहतरीन ट्रीटमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट उनका बहुत ख्याल रख रही है, हर स्टूडेंट को $900 अजाफी दिए गए हैं उनके मंथली स्कॉलरशिप के अलावा, वो $900 उनको इसलिए दिए गए कि वो अपनी खुराक का ख्याल रखें और अच्छा खा पी सकें, जो $900 नहीं लेना चाहते उनको 3 टाइम का खाना उनके कमरों में पहुंचाया जा रहा है, उनको हर किस्म की जो मेडिकल सहूलत दी जा रही है, हर किस्म की फैसिलिटी दिया जा रहा है।
हाँ जी, काफ़ी लोग रास्ते में हैं, और जो मेरा ये ख्याल है, जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री की तरफ से बताया गया और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया, वो यही है कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है वो बेहतर यही रहेगा कि वो वुहान के अंदर रहे, क्योंकि इस डिजीज में ट्रीटमेंट के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसका फैलाव को रोकना जी, फैलाव को रोकना। पाकिस्तानी स्टूडेंट को वहाँ से बाहर निकाला जाता है तो खदशा यह है कि वायरस पाकिस्तान में मुंतकिल हो जाएगा, और इसके पाकिस्तान के महदूद वसायल के साथ उसको कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी एडवाइस और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की एडवाइस और पाकिस्तानी एम्बेसी की एडवाइस और इवन चाइनीज गवर्नमेंट की एडवाइस यही है कि स्टूडेंट्स को वहीं पर रहना चाहिए फिलहाल, ताकि वायरस को रोकने में, उसके फैलाव में उनको मदद हो। अच्छा, इस वक्त WHO है वो, और अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो वहाँ पे उस मीडिया में किस किस्म की वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं? क्या वो अपने वहाँ पे डॉक्टर्स बाहर से आ रहे हैं? कोई पता था कि बीजिंग से कुछ डॉक्टर्स वगैरह गए हैं तो उनको भी इन्फेक्शन हुआ है? जी मैं देखे चाइना का जो भी जियो पोलिटिकल सिचुएशन है उसके मुताबिक तो वर्ल्ड पावर्स जो है, खासतौर पर वेस्टर्न पावर्स जो है, वो चाइना के अंदर होने वाले किसी भी मसले को पॉलिटिकली इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेरी पाकिस्तानी फैमिली से भी अपील है, पाकिस्तानी सिटीजन से भी अपील है, पाकिस्तानी फैमिली, वो फैमिली जिनके बच्चे यहाँ पे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो इस बात का यकीन रखें कि चाइना की हुकूमत जो है वो उनके बच्चों का हर किस्म का ख्याल रखेगी, हर किस्म की मेडिकल सहूलतें उन्हें दी जा रही हैं, वो सहूलतें जो पाकिस्तान की मिली। और उसकी ये भी अपील है कि जो चाइनीज पाकिस्तान में है उनसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए, ठीक है, क्योंकि इस वक्त ग्लोबली चाइनीज डॉक्टर, चाइनीज साइंटिस्ट, चाइनीज स्टूडेंट हर एक से जो है वेस्टर्न कंट्रीज में डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। हमारा ये फर्ज है कि इस मुश्किल मौके पे हम चाइना के लोगों का और उनकी हुकूमत का साथ दें, वैसा ही साथ दें जैसा उन्होंने रिसेंटली फाइनेंशियल क्राइसिस में हमारा साथ दिया है, और वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडे में ना आए और उनके साथ किसी भी किस्म की पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी और मुल्क में, खास तौर पे पाकिस्तान में, की तरफ से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुरेश शहजाद साहब हमसे बात करने का।